नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश और समाज से जुड़ी आज की वह तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिविजन। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों के तहत आज यानी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। 14 अगस्त 1947 को देश के बंटवारे के दौरान विस्थापन का दर्द झेलने वाले लोगों की याद में ये दिन मनाया जाता है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन भारतवासियों को श्रद्धा पूर्वक याद करने का अवसर है जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ गया। कांग्रेस महासचिव सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा की वोटरों को राक्षस प्रवृत्ति का बताया है। सुरजेवाला ने हरियाणा की कैथल में उदय सिंह के लिए आयोजित जन आक्रोश रैली में कहा कि भाजपा का जो समर्थन करता है या जो भी उन्हें वोट देता है वह राक्षस प्रवृत्ति का है। मैं उन्हें महाभारत की धरती से श्राप देता हूँ। इसरो ने आज यानी 14 अगस्त को तीसरी बार चंद्रयान 3 की ऑर्बिट घटाई है। अब चंद्रयान 3 चंद्रमा की ऐसी कक्षा में घूम रहा है जिसमें उसकी चांद से सबसे कम दूरी 150 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 177 किलोमीटर है। ऑर्बिट घटाने के लिए यान की इंजन कुछ देर चालू की गए। 17 अगस्त को चंद्रयान के लिए काफी अहम दिन है। इस दिन इसरो चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूलर को लैंडर से अंदर अलग करेगा। फिर 23 अगस्त को शाम करीब 5:30 बजे लैंडर चांद की सतह पर लैंड करेगा। संजय राउत ने दावा किया है कि अगर प्रियंका गांधी आगामी लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी तो पक्का जीत जाएगी। वाराणसी के लोग प्रियंका गांधी को चाहते हैं। संजय राउत ने यह भी कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए वाराणसी के अलावा रायबरेली और अमेठी सीट जीतना काफी मुश्किल है। आज पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने स्वतंत्रता दिवस मनाया है। इस मौके पर पाकिस्तान की चीफ ऑफ स्टाफ जनरल असीम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान को पता है कि उसे अपनी आजादी कैसे बचानी है। उन्होंने कहा कि जैसे हमें 76 साल पहले आजादी मिली है वैसे ही कश्मीर के लोगों को भी कब्जा करने वाली ताकतों से आजादी मिलेगी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहिदगाह विवाद में नया मोड़ आ गया है। वाराणसी में ज्ञानवापी की तरह ही शाहिदगाह के वैज्ञानिक सर्वे की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने सचिन के साथ मिलकर हर घर तिरंगा कैंपेन में हिस्सा लिया। सीमा ने भारत माता की जय के जयकारे लगाए हैं, वहीं पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। इस दौरान तिरंगा थीम की साड़ी पहनी सीमा ने अपने माथे पर जय माता दी की चुनरी भी बांध रखी है। हिमाचल में प्रदेश 2 दिन से तेज बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में लैंडस्लाइड, बादल फटने और बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में 43 की लोगों की जान चली गई। मौसम विभाग ने राज्य में 16 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने कहा है कि स्थानीय प्रशासन मलबे को हटाने के लिए काम कर रहा है। रजनीकांत की फिल्म जेलर भारत में 150 करोड़ का कलेक्शन पूरा करने की कगार पर है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को फिल्म ने देश में लगभग 38 करोड़ का कलेक्शन किया है। इस तमिल फिल्म को हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में डब किया गया। सभी भाषाओं को मिलाकर बात करें तो भारत में जेलर ने अब तक 146.4 करोड़ की कमाई कर ली। हार्दिक पंड्या की कप्तानी में भारतीय टीम को वेस्ट इंडीज के साथ रविवार को 5 T20 मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। सीरीज खत्म होने के बाद टीम इंडिया के चीफ कोच राहुल द्रविड़ ने कहा कि हमने पूरी सीरीज में अच्छी बैटिंग नहीं की, इस वजह से हार का मुंह देखना पड़ा। अभी के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल देखिए मृदुभाषी प्रदेश की खबरों का पंच एमपी टॉप 5 फेसबुक और यूट्यूब पर सुबह 8:30 बजे।